प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सावंत है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन लगातार हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वीडियो शेयर करते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा ज्यादा सहज, थोड़ा सा ज्यादा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाए। उसी श्रृंखला में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ज्योति त्राटक क्रिया। जी हाँ, नाम तो शायद आपने सुना हो, पर इसे करते कैसे हैं शायद आपको नहीं मालूम हो, या इसके फायदे क्या होते हैं ये शायद आपको नहीं मालूम हो। तो आज थोड़ा समय अपने आप के लिए रखिए, ये क्रिया समझिए, ये क्रिया करने का प्रयत्न कीजिए और आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपने जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन खुद लेके आएंगे। ज्योति त्राटक क्रिया वो षटकर्म क्रिया की एक अभिन्न अंग है। पर आप ऐसा नहीं है कि अगर षटकर्म मतलब छह क्रियाओं को मिला के षटकर्म क्रिया बनती है, ज्योति त्राटक क्रिया जो है वो छठे नंबर पे आती है। पर ऐसा नहीं है कि आपको ये क्रिया करने के लिए बाकी की सारी पांचों क्रियाएं करनी आवश्यक होती हैं। पर अगर आप वो भी करते हैं तो भी अच्छा होता है, पर अगर आप नहीं करते तो केवल ज्योति त्राटक क्रिया करते हैं तो भी बहुत लाभदायक होती है। ज्योति त्राटक क्रिया किसने करनी चाहिए और किसने नहीं करनी चाहिए? ज्योति त्राटक क्रिया एक्चुअली कोई भी कर सकता है। जो भी अपने आप में परिवर्तन चाहता है उसे ये क्रिया अवश्य करनी चाहिए। अच्छा ये होगा कि ये क्रिया आप सीधे अपने गुरु के गाइडेंस के अंदर सीखें। पर अगर आपके पास आपके गुरु नहीं हैं या आप गुरु के पास नहीं जाते, टीचर्स के पास नहीं जाते, तो आप जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ उस तरह भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। ज्योति त्राटक क्रिया करने के कई सारे फायदे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका फायदा होता है वो है आपका चंचल मन जो 10 जगहों पे भागता रहता है वो स्थिर हो जाता है। आपके विचार स्थिर होने लगते हैं। आप किसी एक वस्तु पर, किसी एक काम पर आप अपना ध्यान धीरे धीरे केंद्रित कर पाते हैं। अगर आप बहुत नकारात्मक विचार रखते हैं और हर चीज़ आपको बुरी लगती है या हर चीज़ से आपको इरिटेशन होती है, तकलीफ़ होती है, आपको अननेसेसरी टेंशन्स होते हैं, ज्योति त्राटक क्रिया उसमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसी के साथ अगर आपको आँख की कोई परेशानी है या आपको आँखों में ज़्यादा नंबर है या आपको कोई भी प्रकार का विकार, आँख का विकार है, तो भी आप ये क्रिया कर सकते हैं। पर आपको इतना केवल ध्यान रखना है, अगर आप ये क्रिया करते वक्त अगर आपको सर दुख रहा है या आपको माइग्रेन की तकलीफ हो जा रही है शुरू, तो आप इस क्रिया को ना करें तो अच्छा है। त्राटक क्रिया करने के लिए केवल आपको दो चीज़ की आवश्यकता है, एक आप खुद, दूसरा एक छोटा सा दिया या मोमबत्ती या एक कोई बिंदु। नॉर्मली हम सजेस्ट ये करते हैं कि आप एक छोटे दिए के साथ जिसमें घी या कोई भी नेचुरल वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी या वनस्पति ऑयल डाल के दिए को अपने 2 से 3 फीट की दूरी पर रखें और उसे एकदम आंखों की लाइन में रखें, ना ऊपर ना नीचे, एकदम बिल्कुल आंख की एक लाइन में उसे आपको रखना है। धीरे धीरे आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आप एकदम उस जहाँ पे आपने ज्योति त्राटक का दीप रखा है, पहले आप फर्श पर देखेंगे, फिर आप उस दिए पर देखेंगे, फिर आप दिए की लौ पर देखेंगे। आपने जैसे ही दिए की लौ पर देखने शुरू किया है, उसी के बाद आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आप अपनी आँखों को, आँखों की झपकियाँ करना बंद कर देंगे। उधर ही केवल आप देखेंगे यों इस तरह, जस्ट देखते रहना। जब तक आप देख पाएं तब तक देखिए, जब आप नहीं देख पाते हैं, आंखों में से आपके आंसू टपकने लगते हैं, तो केवल आपको इस तरह से करना है, अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे से मसल लिए इस तरह और अपने आंखों पर इस तरह से रख दीजिए। फिर दोबारा आप सेम क्रिया वापस से शुरू कीजिए, पर इस वक्त
इस बार आपको नीचे से ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल सीधे दिए पर आप ध्यान दे सकते हैं, दिए की लौ पर आप ध्यान दे सकते हैं। याद रखिए, जब आप दिए की लौ पर आप ध्यान रखते हैं तब आपको वो जो दिया है वो फ्लिकर नहीं होना चाहिए, मतलब वो इस तरह से हिलना नहीं चाहिए। अगर वो हिलता हुआ दिया है तो आपको ध्यान केंद्रित नहीं करने देगा। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्रिया करते कैसे हैं। अब मैंने दिया जला लिया है, अब सिर्फ मैं इतना करूंगा, केवल इस दिए की लौ पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा। जब आप पहली शुरुआत करेंगे तो आपकी आंखों में पानी 10 से 20 सेकंड के अंदर ही आ जाएगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, आप 5 मिनट 10 मिनट तक आपके आंखों में कोई आंसू नहीं आएंगे। पर याद रखिए, जब भी आपके आंख में आंसू आते हैं तो उन आंसुओं को पोंछ लीजिए और अपने हाथों को इस तरह से दोनों हथेलियों को मिलाते हुए ऐसे रगड़िए और अपने आंखों पर इस तरह से रख लीजिएगा। अब हम लोग करेंगे प्राण क्रिया शुरू। सबसे पहले आप नीचे से जमीन को देखते हुए फिर आप इस स्टूल को देखेंगे, आंखें ऊपर लेते जाते हुए इस एलिवेशन को, फिर दीपक को और फिर दीपक की ज्योत को। आप पूरी दीपक की ज्योत को देख सकते हैं। इसमें भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, पर ये मैं बहुत पहला स्टेज बता रहा हूं जहां पे आप पूरे दीपक की लौ को, पूरे दीपक की लौ को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।